गांधीनगर के कणती डेंटल कॉलेज से आए डॉक्टर सुरेश लुधवानी ने अपने अतिथि व्याख्यान में 3D प्रिंटिंग के महत्व को बिंदुवार बताते हुए कहा, डेंटल के जटिल रोगों के उपचारों में कैसे सटीक बनाएं। उन्होंने CED प्रोग्राम में PPT और 3D प्रिंटिंग FDM SLA DLP के जरिए डॉक्टरों और भावी डॉक्टरों को उसका महत्व बताया। बोले, 3D प्रिंटिंग का इलाज पहले से ज़्यादा सटीक है, कम जोखिम भरा है, समय की बचत होती है, संतोषजनक है। इम्प्लांट समेत एक दर्जन रोगों में 3D प्रिंटिंग का रोल रामबाण है। डॉक्टर सुरेश ने ऑर्थोडेंटिक्स OMR प्रोस्थो ओरल सर्जरी पैरियो समेत सभी विभागों में 3D प्रिंटिंग का अहम रोल से अवगत कराया। वो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी दी डेंटल कॉलेज एंड CDE का श्री गणेश हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर रघुवीर सिंह और मुख्य अतिथि स्पीकर डॉक्टर सुरेश लुधवानी, डॉक्टर सागर हिरानी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनीष गोयल आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। राष्ट्रगान के तुरंत बाद मुख्य अतिथि प्रोविसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह को प्राचार्य डॉक्टर मनीष गोयल, डॉक्टर सुरेश लुधवानी को SB, डॉक्टर सागर हिरानी को डॉक्टर उपेंद्र मलिक, जबकि ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा को डॉक्टर रूपिका हांडा को बुके और स्मृति चिन्ह दिए। संचालन PG छात्र डॉक्टर सुरंगमा लहरी और डॉक्टर कल्पित साहा ने किया। CDE में दूसरे अतिथि डॉक्टर सागर हिरानी का व्याख्यान ऑर्थोडेंटिस्ट पर केंद्रित रहा। उन्होंने टेढ़े मेढ़े दांतों के उपचार में 3D प्रिंटिंग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हिरानी ने PPT के जरिए आईलाइनर पर प्रकाश डाला। इन दोनों अतिथि डॉक्टरों से सवाल जवाब का दौर भी चला। भावी डॉक्टरों में ये भी सीखा कि हम प्रैक्टिस को कैसे सुगम बनाएं। मुख्य अतिथि प्रोविसी ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित संबोधन में कहा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन जैसे प्रोग्राम चिकित्सा जगत में सिर्फ हमें नई जानकारियां से अपडेट ही नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ नए विकल्प का रास्ता भी खोलते हैं, जो भावी डॉक्टरों की करियर में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर सकता है। डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनीष गोयल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, OMR डिपार्टमेंट हेड, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर MK सुनीर, डिपार्टमेंट हेड्स डॉक्टर मेघानंद, डॉक्टर अतुल जैन, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर KV अरुण, डॉक्टर RK येलुरी, डॉक्टर प्रदीप तांगड़े, डॉक्टर रजनी डावले, ऑर्गेनाइजिंग को चेयरमैन डॉक्टर मुकेश कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रविंद्र SV, ऑर्गेनाइजिंग ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर उपेंद्र मलिक, ट्रेजर डॉक्टर रूपिका हांडा, हॉस्पिटैलिटी कमेटी के सदस्य, रजिस्ट्रेशन कमेटी के सदस्य और भावी डॉक्टर उपस्थित रहे। अंत में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रविंद्र SV ने सभी का आभार व्यक्त किया। We still do it FI के बाद, right? We have an option of 3D printing, but we still do it. No one of us want to place implants like this. Koi hai? Anyone who wants to place implants like this? A desired all or four. Ek time, no one knows. Now this, I will tell you a small story regarding this OPD. You start as a consultant. So how many careers? 5 careers for someone like me. And imagine young guys like you. So that's why it becomes far more important to follow this concept called continuing education. And it's more important today because there's much more demand. Therefore, it requires to innovate. And I think 3D printing in dental is really going to change the way, you know, the oral care is taken. Similarly, I also see some prospects of artificial intelligence happening today in dental care. And as far as I know, the most benefits would be to the health sector of artificial intelligence. So today I'm really happy to be part of this continuing dental education program, which is being hosted by
jointly by the Department of Oral Medicine and Radiology and Orthodontics and then Official Orthodontics. The word 3D, the moment we come to know or we hear, what do we see? We have a notion that today we are going to hear something which is a bit more advanced, a bit more technology savvy, maybe in the field of entertainment, our Bollywood or Hollywood, or in the field of science. Our curiosity to know something about 3D is a bit higher. So let us see today what we have here in this particular hall, and I hope we shall learn a bit more about 3D from the expertise of our eminent speakers. So wish you all the best.